डीसीपी ऑफिस, मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कि आ जाओ। ये आ गया डीसीपी ऑफिस में। भाई वो बैठा हूँ यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या ही हो गया यार ये। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका सचिन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं सचिन ब्लॉग्स 006। समझ रहे हो ना मैडम? देखो मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी उठी है सो के 9 बजे, और इनकी एक चालाकी बताता हूँ आपको इन्होंने क्या किया मेरे साथ। मैं डाइटिंग पे चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि रात को मैं कुछ ना खाऊं, और मैडम ने क्या किया, अपने लिए बनाई कचौरी। और कचौरी कैसी बनाई भाई, अल्टीमेट। मतलब मैं अगर बोलूँगा ना कचौरी बना दो, तो मतलब ऐसी बन जाएगी कचौरी, और खुद को खानी थी तो इन्होंने ऐसी कचौरी बनाई। मैंने थोड़ी सी खाई भाई, मेरा मन कर गया, मैंने कहा सुबह खाऊंगा, रख दो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। दी थी वो एक खाई थी मैंने डाइटिंग पे, मैं रात को नहीं खाता कुछ भी, खुद बढ़िया बढ़िया माल, यहाँ पे माल कैसा आ रहा है, चलो भाई ठीक है खा लो। सो गाइस, आज रहने वाला है मेरा शूट, और आज मेल मॉडल बुलाया है मैंने, तैयार हो चुका हूँ, खाना खा लिया सब, और मिलते हैं आपको लोकेशन पे। आज मेल मॉडल बुलाया तो काफ़ी टाइम बाद मैं मेल मॉडल का शूट करूँगा और देखूँगा, कुछ स्पोर्ट्स वेयर है तो उनका ही शूट है आज। मिलते हैं आपको अपने शूट पे। मैं पहुँच गया स्टूडियो और वेट कर रहा हूँ मेल मॉडल का, जैसे ही मेल मॉडल आएगा आपको दिखा दे शूट, उसके जिम वेयर है कुछ सैंडो टाइप, तो वही शूट होंगे, और दिखा दो कितना प्यारा बच्चा शूट कर रहा है, ये कितने साल का है वो भी बताऊँगा आपको। ये देखो छोटा सा बच्चा, हेलो बेटा क्या हाल है? हाँ वो लड़के क्या हाल है? तेरी शर्मा गया शूट करने में, तो नहीं शर्माता, अब तू शर्मा रहा है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल तेरा, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। बोल दे हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? कुड़ी नहीं है, कुड़ा है। अरे कहना क्या चाहते हो? लड़का है ये, शर्मा रहा तो कुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे शूट करने आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे शूट करते हैं, कितना क्यूट सा बच्चा है ये देखो आप, इसे कहते हैं हार्ड वर्क। तेरी बना रहा हूँ मैं तेरी शूट वीडियो बना रहा हूँ। 5 मिनट बोल, पोस्ट करते हैं शूट नहीं कर। मॉडल हमारा आ चुका है वंश, और अभी लोअर का शूट है तो लोअर के शूट करवा रहे हैं हम, और अभी उसके बाद मेरे कुछ आर्टिकल है तो वो आर्टिकल शूट होंगे। और लड़के की बॉडी देखो भाई, बॉडी बड़ी अच्छी बना रखी है, ऐसी बॉडी मेरी थी किसी टाइम, तेरी कसम संस्कार ऐसी बॉडी थी मेरी, भगवान कसम बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को झूठ लग रहा होगा कि मेरी बॉडी ऐसी नहीं थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसी ब्लॉग में ना आपको अभी आगे अपनी फोटो शेयर करूंगा, दिखाऊंगा कि मेरी बॉडी ऐसी थी या नहीं थी। मेरे पास पिक्चर्स हैं मेरे पुराने, वो मैं डालूंगा जरूर दिखाऊंगा। मैं बहुत जिम करता था, जब से मेरा एक्सीडेंट हो गया ना हाथ में, मेरे जब से चोट लगी, मैंने एक्सीडेंट के बाद में सब छोड़ दिया कि अब खाना पीना है बस। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। हाँ खाना पीना है बस, और जिम इन तो साइड ही कर दी, पर मैं अब दोबारा डाइटिंग कर रहा हूँ, दोबारा से मैं सोच रहा हूँ कि फिट हो जाऊँ, बॉडी तो नहीं फिट हो जाऊँ बस। भाई संस्कार का फोन ना हमेशा कितना चार्ज देता है, 10%, 5%, तो मैं सिर्फ यही बोल रहा था कि मेरे भाई अपना फ़ोन चार्ज कर लिया कर, ये कभी ज़रूरत पड़ जाए कहीं जा रहे हैं फिर तू रोता है बाद में कि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, नहीं है। तो पता वो मेरे से क्या बोल रहा था, बोला यार मैं ज़्यादा चार्ज कर लूँ तो फिर वजन वजन लगता है मेरे को, 90-80% करे तो ऐसा लगता है फ़ोन कितना भारी हो गया। तुम्हें देखते ही पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कुछ गड़बड़ है, सच बोलो वरना मैं हिप्नोटाइज करके शुरू हो जाऊंगा, फिर सारी खुफिया बातें तुम्हारे अंदर से निकालूंगा, बोलो जल्दी बोलो। यार कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग। मेरे आज शूट होंगे जिम वेयर, और बहुत ही बढ़िया जिम वेयर में शूट करा रहा हूँ आज, और बॉडी तो है ही लड़की की अच्छी नो डाउट, और मुझको ऐसा ही था कि एक ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें बिल्कुल फिट आए जिम वेयर, तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसका वीडियो शूट भी करूँगा मैं अभी। भाइयों और उनकी बहनों दो दो ब्लॉगर यहाँ बैठे हैं, ये देखो ये हमारा बंकू और ये लकी भैया, दोनों ब्लॉगर। अरे बाबा ये मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, हमें तुम्हारे ब्लॉग बहुत पसंद है इसलिए हम तुम्हारे ब्लॉग देख रहे हैं। और जिम वेयर करा रहा हूँ शूट, तो मज़ा आ रहा है जिम वेयर देख के, तो बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है, क्वालिटी बहुत अच्छी है नो डाउट। सो गाइज हम अब शूट करने वाले हैं जिम वेयर का, और लोकेशन पर आ चुके हैं, और मेरे साथ है मेरा भाई वंश जो ये शूट करेगा, और बहुत ही अच्छी इसने बॉडी बनाई है,
और अभी ये शूट करेंगे, इसके बाद मैं जाऊंगा कहाँ पे, डीसीपी ऑफिस। मेरे को फ़ोन आया वहाँ से कि आ जाओ, तुम्हारी खबर लेनी है। अच्छा, इस यहाँ पे हो रहा है जिम वेयर का शूट, इस हिसाब से देख सकते हैं आप। सो गाइस, शूट हमारा कंप्लीट हो गया है। वंस भाई जा रहे हैं अपने घर, और बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस भाई से मिलके शूट का। और अभी बहुत सारे पीसेज आएंगे, सो मेरे को एक मॉडल ऐसा चाहिए था जिसका बहुत अच्छा फिटनेस हो, और क्योंकि सैंडो थी, जिम वेयर थे, तो इसलिए मैंने इनको ही रिकमेंड किया। और बढ़िया शूट रहा मेरा, और मैंने रील्स भी बनाए, और आपको वीडियो में देखने को मिला भी होगा कि कैसे मैंने इनके शूट करवाए वीडियो के। तो मैं जा रहा हूँ अब कहाँ, जैसे मैंने बताया डीएसपी ऑफिस, डीसीपी ऑफिस, और डीसीपी ऑफिस जाता हूँ। वहाँ से कॉल आया, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है, वहाँ तो वही जाके पता चलेगा मैंने ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया डीसीपी ऑफिस से कि आ जाओ। बस मैं आ गया हूँ डीसीपी ऑफिस, उसी के सामने खड़ा हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये आ गया डीसीपी ऑफिस में, और डीसीपी ऑफिस आ गया, मैं कॉल करता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनको बुलाता हूँ। मैंने बाइक पार्क कर दी और मैं जा रहा हूँ अंदर, उन्होंने कहा अंदर ही आ जाओ। क्या हो गया यार ऐसा, मैंने तो कुछ करा भी नहीं भाई, बैठा हूँ यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, दिमाग खराब हो रहा है, क्या ही हो गया यार, ये सब खाली पड़ा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं बैठा हूँ, और ये कह रहा है कि बेटर है यहाँ से हिलना नहीं है तुझे, ये वो सब। सो गाइस, मैं किसके पास आया दिखाता हूँ, मैं हूँ भैया के पास ऑफिस में, डीसीपी ऑफिस। मैंने तो और मैं फोटो मार्केट में सुबह वो मान लिया, सो रहा हूँ। सब लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसी कुछ फिल्म बनाई कि मैंने ना डीसीपी ऑफिस में कॉल आया मेरे को और वो बुला रहे हैं, पता नहीं क्या कर दिया मैंने ऐसा, और सब लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्यों। सो आपको बताइए, भैया ने मेरे को फोन पर बुलाया था कि तू कहाँ पे आ जा यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, सो मैं यहाँ पे आ गया, अब हम थोड़ी देर में घर जाएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? सो गाइस, हुआ ये कि कल भाई का फ़ोन आया कि डीसीपी ऑफिस आ जा, वो डीसीपी ऑफिस में है, पुलिस में है, तो तू आ जा और यहाँ से कहीं जाना है तो साथ में निकल लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं पहुँच गया डीसीपी ऑफिस, अब इतने में ही मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि कहाँ हूँ। मैंने कहा मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, और बोली क्या हो गया, मैंने कोई बात हो गई, मतलब मैंने उसको ऐसे दिखाया कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया। वो बहुत ज़्यादा डर गई कि मैं किसी को फ़ोन करूँ, मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ। मैंने उसको ऐसे दिखाता रहा कि मेरे को मतलब कॉल नहीं कर दे रहे, या मतलब बाद में बात करूँगा या कुछ भी, क्यों बोली मैं मीनू भैया को फ़ोन कर दी हूँ, वही दिल्ली पुलिस में है। तो मैंने कहा हाँ देख लो, बोली क्या देख लो, मैं कर रही हूँ, मैंने देख लो अपने हिसाब से। मैंने भैया को बोल दिया था, मेरे फ़ोन आए प्रियंका का, तो बोल दे रहा कि ऐसे ऐसे यहाँ तो है नहीं। पर उनने क्या किया, उसने मेरे बड़े भाई को फ़ोन कर दिया, दीपक भाई को। अब दीपक भाई का मेरे को बुलाया, बोला कहाँ पे, मैंने कहा मैं तो मीनू भैया के साथ हूँ, कपिल भैया के साथ डीसीपी ऑफिस में। बोला तो घर पे क्यों ऐसे वो कर रहा है, वो प्रियंका वहाँ परेशान हो रही है, और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, रो रही है ऐसे कुछ। मैंने फिर कॉल किया, मैंने क्या हो गया, मैंने उसको बताया, भाई वो सब फोन पे स्टार्ट हो गई, सुनाने लग गई कोई तरीका है तुम्हारा, ये मैं यहाँ घबरा गई, अकेली थी और ये था वो था। दिखाता हूँ उसकी चैट आपको, देखो साइड में चैट देखो। बहुत परेशान हो गई थी वो, फिर घर पे आया तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई, मैंने वो सारी चीज़ डाली नहीं है। मैं सोचा था फन होगा, पर फन की जगह फन हो गया। सो गाइस, आया हूँ भैया के घर अभी, सीधा डीसीपी ऑफिस से सीधा घर पे। नमकीन देख लो, नमकीन चबा रहे लड़के, आधा चबा रहा नमकीन। अब पीओ देख लो यार, पीओ तुम कहते हो बॉस ना दिख रही है, कैसे सो गाइस देख लो, पीओ को हो रही है खांसी, खांसी कर रही है, और ये देखो शर्मा कितनी रही है, ये करिए मेरे को लोग देखेंगे कि कैसी लग रही हूँ, आजकल के बच्चे भी ना ये देखो, ओहो स्टाइल से भरी हुई लड़की, गजब बेइज्जती है। भग जा भग जा जल्दी भग जा।
लेकिन चाचू मेरा ब्लॉग मत बनाओ। सो गाइस ब्लॉग को खत्म करते हैं यहीं पे। अभी मैं आया हूँ भैया के साथ कहीं बाहर और यहाँ से फिर घर ही जाऊँगा। तो ब्लॉग को खत्म करते हैं यहीं पे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।